तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जन स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं एआरसी फाइनेंस शेयर के बारे में, क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है। दोस्तों, हाई लगाया था कंपनी 6 रुपए, लिस्टिंग हुआ था 1 रुपए करके 2016 में, और हाई लगाया था 2022 में। अभी ये शेयर 92 पैसे में मिल रहा है। क्या शेयर को खरीदना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है। 5401 35 इसका कोड है। हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, बाय करेंगे, नहीं दोस्तों अवॉइड करेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखोगे ईयर वाइज कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू नेटवर्क ग्रोथ हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, रिटेल इन्वेस्टर 87%, प्रमोटर 12% यहाँ पर स्टेक रखा है। कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे तो BSE में लिस्टिंग है, 46 करोड़ का मार्केट कैप है, पी थोड़ा हाई है, बुक वैल्यू से नीचे से मिल रहा है, हाई लो से तो डिविडेंड देता है, ROC ROE पॉजिटिव, फेस वैल्यू 1 का है, कर्जा 16 करोड़ का है, रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक तरीके से नहीं रखा है, अर्निंग पर सर नेगेटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी 0.33 है। उसके अलावा आप देखोगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में कंपनी काम करता है, 8 नंबर पर आता है। आप देखोगे कंपनी का सेल ग्रोथ क्या बता रहा है, सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट नॉट नेगेटिव, सीजर पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट में दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो माइनस है। तो सारा पैरामीटर को देखने के बाद लॉन्ग टर्म की नजरिया लेकर आना है, तभी जाकर कंपनी आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।